बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास अली, स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी मादान। आज हम मौजूद हैं अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट के सामने। इसी प्रोग्राम में हम आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन और स्टूडेंट के साथ मुलाकात करेंगे, और साथ ही साथ हम आपको बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च लैब के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर किन किन चीज़ों के ऊपर रिसर्च हो रहा है। तो आइए हमारे साथ रहें। जी, सबसे पहले आप हमें अपना नाम बताएं, किस सेमेस्टर में पढ़ती हो? मेरा नाम यूसरा जमील है और मैं एमफिल बायोटेक्नोलॉजी कर रही हूँ अभी थर्ड सेमेस्टर में। अच्छा जी, आपने ये बायोटेक्नोलॉजी क्यों चूज़ की? इसलिए क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और बायोटेक्नोलॉजी जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है, और मेरा इंटरेस्ट इस साइड पर ज़्यादा था, इसलिए मैंने बायोटेक्नोलॉजी चूज़ की। अच्छा जी, तो आप आगे किस चीज़ पर रिसर्च करनी चाहते हैं? अभी हम मेडिसिनल प्लांट्स पे रिसर्च कर रहे हैं। हम मेडिसिनल प्लांट्स के एंटी डायबिटिक पोटेंशियल डिटरमाइन कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो डायबिटीज़ के लिए अवेलेबल ट्रीटमेंट्स है या मेडिसन्स है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं। तो इसलिए हमारी इस रिसर्च से ये फ़ायदा होगा कि हम मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। थैंक यू। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, किस सेमेस्टर में पढ़ते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज़ आमिर खान एंड आई हैव रिसेंटली डन माय एमफिल डिग्री इन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। माय स्पेसिफिक फील्ड वाज ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। आपका रिसर्च टॉपिक क्या है और उसका बेनिफिट क्या है? अच्छा, गुड। मेरे रिसर्च का दो पार्ट्स थे, रिसर्च मेरे जो एमपिल के रिसर्च थे ना, उसके दो पार्ट थे। एक बायोइनफॉर्मेटिक्स था, दूसरा विट लैब था। बायोइनफॉर्मेटिक्स में हमने इन्वेस्टिगेट किया आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोस्ट डैमेजिंग स्नैप्स इन आरए एसोसिएटेड जीन्स, जो आरए जो रिमेटाइड अर्थराइटिस में जितने भी एसोसिएटेड जीन्स है, इसमें से मैंने अपनी रिसर्च में दो जीन्स को इंक्लूड किया। सबसे पहले मैंने उसके बायोइनफॉर्मेटिक्स इन्वेस्टिगेट किया, और उस बायोइनफॉर्मेटिकली मैंने थ्रू कंप्यूटर्स डिफरेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मैंने उससे जो मोस्ट डैमेजिंग स्नैप्स थे जो आरए को डिजीज़ को कॉज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसको आइडेंटिफाई किया थ्रू डिफरेंट बायोइनफॉर्मेटिक्स टूल्स। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ रिसर्चर एसोसिएट मौजूद हैं, उनसे हम इस लैब के बारे में जानेंगे। सर, यहाँ पर किन किन चीज़ों के ऊपर रिसर्च हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में आए और यहाँ पर जो रिसर्च हो रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले माय नेम इज़ आमिर सुहेल एंड आई एम वर्किंग एज अ रिसर्च एसोसिएट इन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बेसिकली यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में तीन सेक्टरों में काम हो रहा है। एक है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, दूसरी है हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी, और तीसरी है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बट जैसे आप लोगों को मालूम है कि बायोटेक्नोलॉजी एक वास्ट फील्ड है, मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंट जो सेक्टर्स है उसमें बायोटेक्नोलॉजी काम कर रही है वर्ल्ड वाइड। हमारे जो लैब हैं यहाँ पर, मैं ख़ुद जो है ना इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूँ एज ए रिसर्च एसोसिएट। ठीक है, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में मैं बायो फ्यूल पर काम कर रहा हूँ। जैसे आप लोगों को मालूम है कि जो फॉसिल्स फ्यूल्स है वो कम हो रहे हैं, ठीक है, और देयर इज़ नीड ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल्स, जो रिन्यूएबल रिसोर्स से हम उसको हासिल कर सकते हैं। तो हमारा जो मर्दान शुगर मिल है उसके साथ MOU साइन है, ठीक है, और यहाँ पर हम मर्दान शुगर मिल जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे हम वाई फंजाई बाई फ्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में काम हो रहा है डिफरेंट प्लांट्स पे, जैसे कि मोरिंगा, शुगर केन, स्टीविया और डिफरेंट वीट वराइटीज़ पे काम हो रहा है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम बायोटेक्नोलॉजी के चेयरमैन डॉक्टर अयाज अहमद साहब के साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस डिपार्टमेंट के हवाले से कुछ सवालें पूछेंगे। तो सबसे पहले सर, हम आपको आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने इतनी बिजी शेड्यूल में हमारे लिए कुछ वक्त निकाला। सर, हमारा क्वेश्चन यह है कि बायोटेक्नोलॉजी से क्या मुराद है? हाँ, बहुत शुक्रिया वकास। बायोटेक्नोलॉजी जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये दो अल्फाज का मजमू है, बायो और टेक्नोलॉजी। इसका मतलब यह है कि बायोलॉजी बेस्ड टेक्नोलॉजी को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी सादा अल्फाज में जानदार चीज़ों का
ٹیکنالوجی میں استعمال، یعنی ہم پروڈکٹس بنائیں۔ سر، آپ بائیو ٹیکنالوجی کا کمپیریزن دوسری ٹیکنالوجی سے کس طرح کرتے ہیں؟ بائیو ٹیکنالوجی ایک ایمرجنگ فیلڈ ہے، بہت زیادہ نیا فیلڈ ہے، اور جو انڈسٹریل ٹیکنالوجیز ہیں، پرانی ٹیکنالوجیز ہیں، اس میں بہت زیادہ، ایک تو وہ انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں ہے، وہ زیادہ ہیلدی نہیں ہے، اور وہ کاسٹلی بھی ہیں۔ بائیو ٹیکنالوجی نئی ٹیکنالوجی ہے، کلین ٹیکنالوجی ہے، سستی بھی ہے اور یہ انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہے۔ سر، آپ کا یہ ڈپارٹمنٹ اسٹوڈنٹ کو کیا کیا فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں؟ بائیو ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ عبدالعلی خان یونیورسٹی میں 2012 میں شروع ہوا ہے، کہ ہماری فیکلٹی جو ہے ہمارے پاس بہت زیادہ ویل کوالیفائڈ ہے۔ 12 فیکلٹی ہے، جس میں 11 فارن کوالیفائڈ پی ایچ ڈی فیکلٹی ہیں، جو کہ ایڈوانس کنٹری سے، یو ایس سے، یو کے سے، جرمنی سے، ناروے سے، چائنا، جاپان سے کوالیفائڈ ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں 4 اسپیشلائز لیبارٹریز ہیں ریسرچ کے لیے، جس میں انفیکشیس ڈیزیز لیبارٹری ہے، ہیلتھ بائیو ٹیکنالوجی لیبارٹری ہے، مولیکولر بایولوجی لیبارٹری ہے، اور ایگریکلچر بائیو ٹیکنالوجی لیبارٹری ہے یا پلانٹ بائیو ٹیکنالوجی لیبارٹری۔ سر، بائیو ٹیکنالوجی سے پارے ہونے والے اسٹوڈنٹ ملک کی ترقی کے لیے کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ بائیو ٹیکنالوجی چونکہ نئی ٹیکنالوجی ہے اور یہ ایک نیا نالج ہے، اور اس سے جو طلبہ فارغ ہوتے ہیں تو ایجوکیشن اور ٹیچنگ کے علاوہ وہ انڈسٹری میں جا سکتے ہیں، اور وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں جا سکتے ہیں، وہ ہیلتھ سیکٹر میں جا سکتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو انڈسٹریل ریولیوشن اس وقت جو دنیا کا فوکس ہے، کہ وہ زیادہ ہیلدیئر اور زیادہ افیکٹیو ٹیکنالوجیز پہ انڈسٹری شفٹ ہو رہی ہے، تو جو ہمارے فارغ طلبہ ہے، بائیو ٹیکنالوجی کے گریجویٹس ہیں، تو وہ ان فیلڈز میں جائیں گے اور ان میں اپنا رول پلے کریں گے، اور وہ اپنے ملک کی ترقی اور اپنے قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ سر، آپ کا بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آج کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔